नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन छोटे राय के द्वारा नगर में बनने वाले चिरगांव लाहार मार्ग पर होने वाले सौंदर्यकरण का निरीक्षण किया गया है एवं सौंदर्यकरण कार्य के द्वारा लाहार रोड पर पानी सप्लाई की टूटी हुई लाइनों को जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। टूटी लाइनों को लेकर के अनामिका कॉलोनी बुधविहार एवं सिकंदरपुर में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर कर्मचारियों को जल्द से जल्द पानी सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं एवं वार्ड क्रमांक 4 बुधविहार कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर नाला बनाने के लिए स्थानीय लोगों की निजी जमीन का उपयोग करने की सहमति भी बनाई गई है। स्थानीय लोगों में कमला बुआ जिनके खेत में होकर पानी गुजरता है, अगर वह रास्ता बंद कर लें तो पूरा बुधविहार पानी में विलीन हो जाएगा। उन्होंने अपने खेत से होकर नाला बनाने की अनुमति दी है एवं उनके आगे गयादीन कुशवाहा ने अपने प्लॉट से नाला बनाने की अनुमति दी। गयादीन कुशवाहा के प्लॉट से होकर टीवी टावर तक नाला बनाने का कार्य शुरू होना है। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन छोटे राय के साथ उपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवेंद्र पाराशर, पार्षद प्रतिनिधि गिरधारी शाहू, हल्के ठेकेदार राजू वर्मा, दयाराम वर्मा सहित नगर के परिषद के कर्मचारी एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए आलोक शुक्ला की रिपोर्ट। और जैसे कमला बुआ थी वे भी कह रही है भैया निकल जाए, बोले वो बार बार वो काम खत्म हो जाए। तो एक साइड से हमको जो समझ लो पानी भरत अबे बिल्कुल जो आप मोटर वो पानी भरा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।